नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से टकराव के संकेत दिए हैं। ईडी के भेजे समन पर बीते 14 अगस्त को ईडी कार्यालय नहीं जाकर उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि वो ईडी से नहीं डरते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा को उन्होंने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी उन्हें भेजा गया समन वापस ले, अगर वो इसे वापस नहीं लेगी तो वो कानून का सहारा लेंगे। उनके इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने को कहा था। प्राप्त सूचना के मुताबिक ईडी ने हेमंत सोरेन से उनकी संपत्ति को लेकर बयान रिकॉर्ड करने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री सोरेन ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए थे। हरियाणा पुलिस ने नूह में हिंसा भड़काने के आरोपी बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। गौरक्षक बजरंग दल के फरीदाबाद इकाई के प्रमुख बिट्टू बजरंगी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बजरंगी पर आरोप है कि उसने मेवात के मुस्लिमों से कहा था कि मैं ससुराल आ रहा हूँ, अपने जीजा का स्वागत नहीं करोगे क्या? ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। फूल माला तैयार रखना, जिया आ रहे हैं। बिल्कुल 150 गाड़ियां हैं। बता दें, फरीदाबाद पुलिस उसे पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद यात्रा पर पथराव होने के बाद नूह में हिंसा शुरू हुई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज अपने प्रमुख निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के न्यायपालिका के प्रयासों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के तुरंत बाद मनमानी गिरफ्तारियों और विध्वंस की धमकी का संदर्भ दिया। सीजीआई ने शीर्ष अदालत परिसर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अपने सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी मामले का नतीजा चाहे जो भी हो, सिस्टम की ताकत न्याय देना है। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में कहा कि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास और सांत्वना की भावना होनी चाहिए। अगर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, विध्वंस की धमकियां, संपत्तियों को अवैध रूप से कुर्क किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं भविष्य की ओर देखता हूं, मेरा मानना है कि भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्याय तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है। हमें उन बाधाओं को दूर करके प्रक्रियात्मक रूप से न्याय तक पहुँच बढ़ानी होगी जो नागरिकों को अदालतों में जाने से रोकती हैं। न्याय देने की अदालतों की क्षमता में विश्वास पैदा करना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और अमित शाह की कुछ लोग तस्वीर गलत तरीके से दिखा रहे हैं। इसके साथ ही दावा कर रहे हैं कि सीजीआई ने हाथ जोड़े और अमित शाह ने इग्नोर कर दिया और इसको सीजीआई चंद्रचूड़ का अपमान बता रहे हैं। हालांकि इसके उलट अमित शाह अपनी सीट से उठकर सीजीआई के पास गए और दोनों लोगों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर सम्मान दिया। उसके बाद सीजीआई ने मिसेस शाह को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तब तक अमित शाह अपनी सीट पर जाने के लिए मुड़ चुके थे। इसी पल के स्क्रीनशॉट को वायरल किया जा रहा है और सीजीआई का अपमान भी बताया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश में महंगाई को कम से कम करने के लिए कदम उठाने की बात कही तो दूसरी ओर जुलाई में महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान रिटेल महंगाई दर 7.44% रही है। यह आंकड़ा आरबीआई के द्वारा तय महंगाई दर जो कि 2 से 6% तक है उससे काफी ज्यादा है। टमाटर समेत खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तेज उछाल के चलते जुलाई 2023 में खुदरा महंगाई दर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पिछले महीने महंगाई दर 4.87% थी। महीने के लिहाज से देखा जाए तो इसमें 2.57% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों ने जुलाई में महंगाई की दर का अनुमान 6.6% लगाया था, ये उससे भी अधिक निकला है। महंगाई दर पिछले 46 महीनों से लगातार 4% से ज्यादा लेवल पर बनी हुई है। जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एचडी कुमार स्वामी ने मंगलवार को उन्हें भाजपा प्रवक्ता कहने के लिए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि वो कर्नाटक में 6 करोड़ लोगों के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा, मैं जनता का प्रवक्ता हूं, किसी पार्टी का नहीं। जनता ने मुझे विपक्ष में खड़ा कर दिया है, मेरा काम सत्तारूढ़ सरकार से सवाल करना है। बता दें, कांग्रेस नेताओं की आलोचना जेडीएस और भाजपा के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच आई है। खासकर राज्य विधानमंडल के हाल ही में आयोजित मानसून सत्र के दौरान सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए कुमार स्वामी ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के काम अध्याय दर अध्याय उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। खड़गे नेता विपक्ष के हैं और उनके लिए वहां कुर्सी आरक्षित थी,
लेकिन वो कुर्सी खाली रही। मीडिया ने उसकी फोटो तक जारी कर दी। हालांकि खड़गे ने वहां ना जाने की वजह बताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लाल किले पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि उन्हें उनकी आंख में कुछ समस्या थी, साथ ही प्रोटोकॉल और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी थे, जिसके बाद उन्होंने समारोह में शामिल न होने का फैसला किया। लाल किले में VVIP लाइन में खड़गे के लिए आरक्षित कुर्सी खाली देखी गई। वहां जाने की बजाय उन्होंने यहां अपने आधिकारिक आवास और कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया, जहां राहुल गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देशवासियों कहने की जगह परिवारवादियों शब्द का इस्तेमाल किया और देश के लोगों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि देश को 3 बुराइयों से लड़ना होगा, ये हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। पीएम मोदी ने विस्तार से इनके बारे में बोला और किसी पार्टी और नेता का नाम लिए बिना कहा कि परिवारवादी राजनीति इस देश को खोखला कर रही है। यही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर कर दिया है। प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह विपक्ष पर हमला था, लेकिन किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं ना कहीं 2024 के लिए लोगों से समर्थन मांगने का अप्रत्यक्ष इशारा था। प्रधानमंत्री ने जिस तुष्टीकरण की बात कही, उसके बारे में ये साफ नहीं किया कि आखिर कौन सी पार्टी किसका तुष्टीकरण कर रही है। आमतौर पर तुष्टीकरण अल्पसंख्यकों के संबंध में इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ही मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ है, शांति ही मणिपुर की समस्या का समाधान है। केंद्र सरकार पूरी कोशिश में है कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले लोकसभा के मानसून सत्र में मणिपुर का मामूली जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने 15 अगस्त को भी इसका जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के कई हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा कर दिया है। मैं इसका सामना करने वाले सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई, 2014 और 2019 में मोदी को सुधार करने का साहस मिला और मोदी ने एक के बाद एक सुधार किए। सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन ही देश का निर्माण है। हमारी मानसिकता और शक्ति को मजबूत करती है, जो अगले 1000 वर्षों के लिए मंच तैयार करती है। देश ने तय किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार चाहिए। उन्होंने उस अस्थिर समय से मुक्ति पाई जब देश राजनीतिक मजबूरी से जूझ रहा था। मेरी सरकार का हर निर्णय देश प्रथम है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा है कि साल 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तो हमें दुनिया में भारत का झंडा एक विकसित देश के तौर पर फहराना है। भारत 2047 तक विकसित देश बनकर रहेगा। आजादी की 77वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने कहा, लाल किले से मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आज गंभीरता पूर्वक हमें उन चीजों को बदलना होगा। जब 2047 में देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तो उस समय तिरंगा एक विकसित भारत का झंडा होना चाहिए। हमें रुकना नहीं है। उसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पहले जरूरी है। हमें इसे मजबूती से खाद पानी देना चाहिए। 2047 में जब देश आजादी के 100 का जश्न साल बनाएगा, तो मेरा देश विकसित भारत बनकर रहेगा। मैं देश के सामर्थ्य के आधार पर ये कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 77वीं आजादी की सालगिरह के मौके पर कहा कि 10 सालों में हमने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पर ला दिया। उन्होंने कहा, जब हम सत्ता में आए थे तो अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं। यह ऐसे नहीं हुआ है। जब भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब हमने इसे रोका और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। हमने गरीबों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च किया। जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो तिजोरी नहीं बढ़ती, बल्कि देश का सामर्थ्य बढ़ता है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे को साक्षी मानकर देशवासियों को दे रहा हूँ। आपको देखकर लगेगा, इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? 10 साल पहले राज्य सरकार को 30 लाख करोड़ मिलते थे, हमने ये बढ़ाकर 100 लाख करोड़ रुपये पहुँचाया है। स्थानीय विकास के लिए 70,000 करोड़ जाता था, आज 3 लाख करोड़ जाता है। आज गरीबों के घरों पर 4 गुना पैसे सरकार खर्च कर रही है। गरीबों का घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ खर्च होता था, आज 4 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। देश की नई संसद का जिक्र करते उन्होंने कहा, 25 साल से देश में चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बनेगी, लेकिन काम नहीं हो रहा था। ये मोदी है जिसने समय से पहले नई संसद बनाई। ये नया भारत है, ये संकल्प को पूरा करने के लिए नया भारत है। इसीलिए भारत न रुकता है, न थकता है, न हांफता है और न हारता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार 15 अगस्त को देश के लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए भारत माता को हर भारतीय की आवाज बताया। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत माता हर भारतीय की आवाज है, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो यात्रा का अपना अनुभव भी साझा किया और कहा कि उन्होंने समुद्र के किनारे से 145 दिन की पैदल यात्रा शुरू की और कश्मीर की बर्फ पर पहुंचे। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, पिछले साल मैंने 145 दिन उस जमीन पर घूमते हुए बिताए जिसे मैं अपना घर कहता हूँ। मैंने समुद्र के किनारे से शुरुआत की और गर्मी, धूल और बारिश से गुजरा, जंगलों, कस्बों और पहाड़ियों से होते हुए जब तक कि मैं मेरे प्यारे कश्मीर नहीं पहुंच गया। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने के दौरान हुए दर्द और उस प्रेरणा का भी उल्लेख किया जिसने उन्हें यात्रा जारी रखने में मदद की। राहुल ने 15 अगस्त पर देश के लोगों को भारत माता मानते हुए इस यात्रा का जिक्र किया। राहुल ने अब आम लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में वो अब तक काफ़ी ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो अपना छोटा मोटा काम करके परिवार चला रहे हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर तीखा हमला किया। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अगले साल यानी 2024 में फिर से लाल किले पर झंडा फहराएंगे। इस बयान का सीधा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव वही जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर पत्रकारों के इसी सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फहराएंगे। खड़गे ने कहा कि हर व्यक्ति कहता है कि हम बार बार जीत कर आएंगे, लेकिन आपको जिताना या हराना ये जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है। 2023 में कहना कि 2024 में एक बार फिर मैं झंडा फहराऊंगा अहंकार है। अगर वो स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष पर टिप्पणी करते रहेंगे तो वो देश का निर्माण कैसे करेंगे। शरद पवार के कारण महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्लान बी पर काम करने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस प्लान में शरद पवार की कोई भूमिका नहीं है, मतलब शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस एनसीपी के बगैर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा कि इस बारे में फाइनल फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। बता दें, शरद पवार अपने बागी भतीजे अजित पवार से बार बार मिल रहे हैं। उनके इस पैतरे से कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी कन्फ्यूजन में है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नाना पटोले ने पार्टी के तिलक भवन दफ्तर पर झंडा फहराने के बाद मीडिया से कहा कि उनकी मुलाकात हमें प्रभावित करती है, दोनों के बीच में सीक्रेट मीटिंग कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं इस बारे में फाइनल फैसला नहीं ले सकता, पार्टी हाईकमान इस बारे में कोई फैसला लेगा। बता दें कि अजित पवार और शरद पवार की बार बार हो रही मुलाकातों से कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से एमबीए और शरद पवार को लेकर बात करने वाले हैं। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से रविवार को मुलाकात की थी, वो राहुल गांधी से इस बारे में बात कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। इस बारे में संगठन की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोपों और मुकदमों की राजनीति की वजह से जनहित के ज्वलंत मुद्दे चुनाव के समय पीछे छूट गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है, लेकिन कुछ एक सीटें हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे प्रदेश के इलाके जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहता है। इनमें चंबल का इलाका महत्वपूर्ण है। वहां सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से उलट पुलट हो गए हैं। पहला पहलवान विनेश फोगाट घुटने की चोट की वजह से एशियन गेम्स से बाहर हो गई है। विनेश ने अपने ट्विटर पर ताजा जानकारी साझा की है। विनेश ने लिखा है कि 3 अगस्त को मेरे बाएं घुटने में चोट लगी थी। स्कैन और जांच के बाद डॉक्टर ने कहा है कि दुर्भाग्य से केवल सर्जरी ही ठीक होने का एकमात्र विकल्प है। विनेश ने बताया कि 17 अगस्त को मुंबई में उनकी सर्जरी होगी। उन्होंने लिखा, मेरा सपना था साल 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक मेरे पास ही रहे। इस चोट की वजह से अब मैं हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी है ताकि एशियाई खेलों में किसी रिजर्व प्लेयर को भेजा जा सके। अभिनेता अक्षय कुमार को भारतीय नागरिकता मिल गई है। उन्होंने अपने ट्विटर पर भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र की तस्वीर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। अक्षय कुमार ने इस तस्वीर के साथ लिखा है, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी,
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2020 के चुनाव में अपनी हार को पलटने की कोशिश करने के मामले में जॉर्जिया की एक कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। ये मामला 2020 राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्जिया प्रांत के चुनाव नतीजे को पलटने की कोशिश का है। ट्रंप पर आरोप लगाया गया है कि वो उस साजिश में शामिल थे जिसके जरिए चुनाव नतीजों को अवैधानिक तरीके से बदलकर जो बाइडेन को हराने की कोशिश की गई। इसके साथ ही ये इस साल चौथी बार है जब राष्ट्रपति ट्रंप पर आपराधिक आरोप तय किए गए। ट्रंप सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों में बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।